क्या है पूरी बात बताएं। देखिए यह मनरेगा भवन और 25 लाख से ऊपर लागत का यह भवन है। इसमें जहाँ तक हमें जानकारी है 16 लाख से ऊपर लमसम पैसा निकासी हो चुका है और जब मनरेगा भवन बना था उसी समय में यहाँ पर शिलापट्ट टांग देना चाहिए। ये योजना इतना प्राकालित राशि का है लेकिन न बोर्ड टांगा गया है और बार बार इस विभाग में जो कनीय अभियंता हैं खासकर रणधीर कुमार इनका लापरवाही है, क्योंकि वही जेई हैं उन्हीं के अनुशंसा पर जो अभिकर्ता हैं उनको जैसे पैसा का भुगतान होता था। और इसके लेके यहाँ के ग्रामीण स्तर के भी मजदूरों के द्वारा भी यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी आवेदन दिया गया, उनके द्वारा भी माने अभिकर्ता को आवेदन दिया गया जो ससमय इस काम को पूरा किया जाए। कनीय अभियंता को भी कहा गया जो भाई ससमय जो पैसा निकासी हुआ है उसका जैसे MV बुक किया जाए, लेकिन कनीय अभियंता का लापरवाही के कारण आज वह खंडर में आप देख रहे हैं, जो देख रहे हैं उसका यही हालत है। तो क्या लग रहा है कि ये 25 लाख रुपये जो 16 लाख रुपये निकासी कर लिया गया है उस सब बंदर बांट ऐसा लगे तो रहा है कि 16 लाख रुपये की लागत से वो भवन जो अभी बना हुआ है वो 16 लाख रुपये का है? तो आपके सामने में आप उसका माने मूल्यांकन कर ये सकते हैं जो उसमें कितना लागत होगा। तो अभी भवन की क्या स्थिति है? खंडर वो खंडर बना हुआ है। तो क्या मांग करेंगे आप? हम यही चाहेंगे जो इसको ससमय, क्योंकि इसका जो समय सारणी था वो तो समाप्त हो चुका है, हम प्रशासन का दिमाग उस ओर ले जाना चाहेंगे कि अविलंब यह मकान बने। क्या नाम है? हमारा नाम दिनेश यादव है।